फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आया हूँ एक ऐसा लेसन जिसे आपको सीखना ही पड़ेगा। यानी यह लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होता है जहाँ कहते हैं कि कोई एक इंसान एक ही टाइम में दो काम कर रहा था। यानी कोई एक इंसान एक टाइम में दो काम कर रहा था, जैसे चाय पीते हुए वह म्यूजिक सुन रहा था। तो आपने यह देखा कि आदमी एक है जो काम दो कर रहा है, चाय भी पी रहा है और म्यूजिक भी सुन रहा है। टाइपिंग करते हुए वह सेंटेंसेस को पढ़ रहा था। यानी आदमी एक है, टाइपिंग भी कर रहा था और सेंटेंसेस को पढ़ भी रहा था। खाना खाते हुए वह बात भी कर रहा था। तो फ्रेंड्स, आपने यह देखा कि मैंने बोला एक ऐसा सेंटेंस जहाँ पर आदमी एक है यानी सब्जेक्ट एक है और वो दो काम कर रहा है, बात कर भी रहा है, खाना भी खा रहा है, टाइपिंग भी कर रहा है, सेंटेंसेस को पढ़ भी रहा है। तो आइए फ्रेंड देखें कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। यानी हुए वाले हिस्से में हम आईएनजी फॉर्म जोड़कर बोलेंगे। जैसे चाय पीते हुए वह म्यूजिक सुन रहा था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे टेकिंग टी, यानी चाय पीते हुए ही वॉज लिसनिंग म्यूजिक। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि चाय पीते हुए पहले काम को मैंने बोला टेकिंग टी, यानी हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल के मदद से ट्रांसलेट किया। खाना खाते हुए वह बात कर रहा था, यानी ये दो काम साथ साथ चल रहा था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ईटिंग डिनर ही वॉज टॉकिंग, यानी खाना खाते हुए वह बात कर रहा था। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप ये सोचे कि इस तरह के सेंटेंसेस को व्हाइल से ट्रांसलेट करते हैं, जैसा कि मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है और मैंने वहां बताया कि जब दो काम साथ साथ चलते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस को व्हाइल की मदद से ट्रांसलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा आप यहां पर व्हाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सवाल है क्यों नहीं कर सकते हैं, तो इसका जवाब मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। आइए सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। अगर आपको कहना हो कि वो टाइपिंग करते हुए सेंटेंसेस को पढ़ रहा था, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे Doing typing, he was reading the sentences. यानी आदमी एक है जो दो काम कर रहा है और दोनों काम एक साथ कर रहा है, टाइपिंग भी कर रहा है, सेंटेंसेस को पढ़ भी रहा है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको पहला कंसेप्ट समझ में आया। फ्रेंड्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल हम इस तरह के सेंटेंसेस के लिए भी करते हैं जहाँ हम कहते हैं कोई एक काम दूसरे काम के तुरंत बाद हुआ। यानी जैसे ही पहला काम खत्म हुआ तुरंत दूसरा काम शुरू हो गया। यानी इन दोनों काम के बीच में ना के बराबर गैप होता है। जैसे शेर को देखते ही मैं भाग गया, या शेर देखकर मैं भाग गया, दरवाजा खोलते ही वो पिस्टल निकाला, या दाहिने मुड़ते ही आपको ताजमहल दिखेगा। तो फ्रेंड्स, इन सभी सेंटेंसेस में ये बताया गया कि एक काम जैसे ही खत्म होगा तुरंत दूसरा काम शुरू हो जाएगा। यानी इन दोनों कामों के बीच में ना के बराबर या बहुत कम गैप होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को भी बोलने के लिए आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे दरवाजा खोलते ही वो पिस्टल निकाला, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ओपनिंग द डोर ही टुक हिज पिस्टल। ओपनिंग द डोर यानी दरवाजा खोलते ही वो पिस्टल निकाल दिया। शेर को देखते ही मैं भाग गया, सीइंग अ लायन आई रैन अवे। दाहिने मुड़ते ही आपको ताजमहल दिखेगा, टर्निंग द राइट यू कैन सी द ताजमहल। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सभी बात आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कब करना है। यानी इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ कहते हैं कोई एक काम जैसे ही खत्म हुआ दूसरा शुरू हो गया कैसे बोलेंगे, या फिर अगर आपको ये कहना हो कि आदमी एक है जो दो काम साथ साथ कर रहा है कैसे बोलेंगे। आइए फ्रेंड्स, अब आपको बता दें कि यहाँ आप व्हाइल का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे। ये बात सच है कि जब दो काम साथ साथ चलते हैं तो आप व्हाइल का इस्तेमाल करते हैं, और मैंने इस पर एक खास वीडियो बनाया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप वो वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने आई के सिंबल में वो वीडियो रखा हुआ है। फ्रेंड्स, हम व्हाइल का इस्तेमाल तब करते हैं जब आपके दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग हो। लेकिन अगर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर जो भी एग्जांपल्स बताया इसमें काम दो था लेकिन सब्जेक्ट एक था, यानी करने वाला एक था और काम दो। जैसे शेर को देखते ही मैं भाग गया, शेर को मैंने ही देखा और मैं ही भागा, यानी इन दोनों पार्ट का सब्जेक्ट मैं ही हूँ। दरवाजा खोलते ही वो पिस्टल निकाला, यानी दरवाजा भी वही खोला, पिस्टल भी वही निकाला। या टाइपिंग करते हुए वो सेंटेंसेस को पढ़ रहा था, टाइपिंग भी वही कर रहा था, सेंटेंसेस को भी वही पढ़ रहा था। यहाँ पर काम दो है लेकिन सब्जेक्ट एक है, इसीलिए यहाँ पर आप व्हाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। व्हाइल का इस्तेमाल तब करना है जब दो काम साथ साथ चले लेकिन दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग हो। मैं रोटी पका रहा था जबकि मेरी बहन चावल पका रही थी।
तो यहाँ पर मैंने बताया दो काम जो एक साथ चल रहा था। मैं रोटी पका रहा था और मेरी बहन चावल, लेकिन इन दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग है। रोटी पकाने का काम मैं कर रहा था जबकि चावल पकाने का काम मेरी बहन कर रही थी। तो इस सेंटेंस को हम पार्टिसिपल के मदद से नहीं बल्कि व्हाइल के मदद से ट्रांसलेट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया। फ्रेंड्स अगर वाकई आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत।